अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाओ मित्रों की हाल है। मैं थोड़ा भाई नबील अज एक नवी वीडियो हाजिर होया। असी सर हमेशा थोनों ये दस रहे हैं भी जड़िया फसल मुनाफा बख्श कि फसल ने तो गैर मुनाफा बख्श कि फसल ने। असी आलू की ज़्यादा काश्त करते सो आलू के उत्ते बहुत ज़्यादा कास्ट आ जाती है तो आखिर से आके रेट उन्हें मिलता नहीं सी। आलू इंपोर्ट बहुत घट होने लग पाया तो असी आलू की जगह तो टमाटर लाया सी। हाँ जी सरदार साहब बिल्कुल टमाटर लाया असी 3 किलो टमाटर लाया तो वो माशाल्लाह साढ़ा 24-25 लाख का हो गया। हाँ जी सारे खर्चे ला के बिल्कुल। तो आलू जड़े ने वो आलू वाले भाइयों मेरे को अजे भी पता है भी किन्ने किन्ने का किला होंदा पिया। मैं भी आलू की काश्त करना मेरा भी 100-125 एकड़ आलू काश्त करना तो आलू की का इन्ना कभी भी मुनाफा नहीं आया जिन्ना टमाटर चो माशाल्लाह आया। हाँ जी अच्छा अगली फसल असी की किया। हाँ असी तुहानू जनाब दस रहे सां भी टमाटर माशाल्लाह 3 एकड़ 25 लाख का हो गया तो खर्चे सारे ला के आलू कभी भी इन्ने पैसे नहीं दिंदा। हाँ जी असी अगली दफ़ा की किया कि मक्की दे उत्ते बहुत ज़्यादा कास्ट आती है मक्की का बीज बहुत महंगा होंदा है उनकी वाह महंगी होंगी उनके उत्ते स्प्रेवां सुंडी तुहानू पता जान नहीं छड़दी। हाँ जी तो उनदियां जिहड़ियां यूरिया DAP पोटाश वह 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है तो फिर जाके 1-1.25 लाख की मकई इस बैडे की कच्ची छली च वेखदी। असी मकई की जगह देना जी सरदार साहब तिल लैके आए हैं तो तिलां की फसल लाई है। असी माशाल्लाह 2 किले पहले झाड़े ने इन्हों तो ये 1 किला 19 मन निकलिया 1 किला 20 मन तो कुछ किलो निकलिया तो माशाल्लाह 11.5 हज़ार रुपये का रेट लगा तो तुम आप अंदाजा कर लो भी 2 लख+ इनकी आमदन हो गई है तो इन खर्चा जनाब यह है जे भी 2 सियां ला के इनका बीज का छटा दिता सी। अच्छा 2 सियां ने लाई दी ने तो 1000-2000 का बीज सुटो तो सुहागा फेरो पानी इनू लग गया तो कोई नहीं लग गया तो अल्लाह पाक बारिशा पा दिंदा तो पानी इनका जरा पूरा हो जाता है। ये माशाल्लाह साड़ी ना असी हुण दोबारा फिर इनू एक दफा नू झाड़िया ये हुण तो अज असी फिर इनू झाड़न लगे हाँ अगर ये 20 मन 19 मन हो जाता है तो तुम अंदाजा कर लो भी 2-2.5 लाख का एक किला हो गया तो इन खर्चा कोई नहीं गा ना असी इन यूरिया पाइए ना असी इन DAP पाइए ना असी इन पोटाश पाइए एक स्प्रे किया सूंडी कीड़ी का तो यह माशाल्लाह तैयार हो गए ने बारिशों नाल थोड़े जिहा मुतासर होए ने लेकिन असी की किया कि जो बारिशा ज़्यादा आईया सी ना असी साढ़े इधर ना बांस ने नाल अगर कैमरामैन दिखा सके तो असी फिर इन्हों का पानी ना बांसा छड़ दें तो बांसा क्योंकि पानी का फायदा ही फायदा है इन्हें असी पानी जमा नहीं होता जेड़े लोग जेड़े मेरे भरावान ने तिलों के पानी जमा हो गया है पानी नहीं कड़ सके वो तिल खराब हो गए ने तिल डिग पैने थलों। अच्छा जनाब तुम दस दे पैसा भी जिन्हों लोगों ने पानी तिल के खराज नहीं कर सके उन्होंने पैदावार फिर बहुत घट हुई है। मिसाल के तौर पर आ सा एक छोटा जहा खेत सी इन्हें जनाब इनका पानी का खराज नहीं हो सकया तो इनकी हाइट तुम चैक कर लो बिल्कुल तिल पानी के वधे ही नहीं एक दो फुट के पौधे हुए हैं तो इन्हों का झाड़ फिर उन्होंने निस्बत बहुत घट आया तो इसलिए मैं भाइयों बार बार कह रहा कि तिलों की फसल के पानी खड़ी कभी भी खड़ा नहीं होने देना इनका पानी जरा ना किसी ना किसी तरीके इनू इनका खराज कर देना है फसल चो पानी बाहर कढ़ देना है तो फिर इंशाल्लाह तला आपकी फसल वेख्या जे तो उनका कद वेख्या जे तो उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा आएगी। आखिर तो फिर मैं सारे भरावान का शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मेरी वीडियो लाइक करते हैं तो साढ़े अलफतेह बीज चैनल में फॉलो करते हैं तो जिन्ह लोगों ने चैनल में सबसक्राइब अजे तक नहीं किया वो साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लैन। अच्छा वो सरदार साहब तुम पानी की तुम दोबारा फिर सवाल कर लिया। हाँ जी पानी इन जमा नहीं होने देना ये असी ना जिन्ना भी पानी बारिशों होता से अं बांसा असं कट देंगे। हाँ तो दूसरी गल जिन्ह लोगों के भराव मेरा पानी जमा रहा तो उन्होंने पानी का इखराज नहीं किया बारिशों का बहुत ज़्यादा पानी तुम्हें पता इस दफा बारिश हो गया उन्होंने एक ब्लैक लैग की बीमारी आ जाती नवी ज़्यादा होने की वजह तो तिल उन्होंने डिग पेंदे उन्होंने फिर झाड़ थोड़े घट आए हैं लेकिन फिर भी मकई ना वो भी चंगे रह गए मकई के उत्ते कास्ट बहुत आ गई इसलिए असी ना ये तिल की कास्ट की और तिल वैसे भी साड़ी जी ना मुल्क बहुत घट पैदा होंगे ने तो यह बहुत अच्छी चीज़ है तिलों का तेल मवैशियों वास्ते खाने वास्ते तिल हर जगह इस्तेमाल होंगे ने तुम्हें पता है कसूर के जी सब तो अच्छी रेवड़ी बनती या चकवाल जी सब तो अच्छी रेवड़ी बनती उन तिल ही इस्तेमाल होंगे ये सफेद तिल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं जी।
ये पहले वक्त में जनाब ए कोई बच्चे ऐसे होंगे सी सरदार साहब जेडे बच्चे रात नूं सुत्ते पे पेशाब कर देंदे सी वड्डी उम्र च जाके पेशाब कर देंदे सी दो चमचियां तेल तीन चमचियां उन्होंने चबावने हफ्ते च बच्चा कभी रात नूं चार पए उत्ते पेशाब नहीं करेगा ये माशाल्लाह इन्नी अच्छी चीज़ है पट्ठियां दीआं दर्दां नूं भी बहुत अच्छे होंदे तेल ते सर्दी का खास तोहफा है सर्दी के बच्चे इनका चीनी मिला के तो इन्होंने भुन के एक मरूंडा टाइप चीज़ बन जाती जिहड़ी ए पट्ठियां नूं बहुत ज़्यादा ताकत दिंदी सर्दी नूं रोकदी कभी तुहानूं सर्दी नहीं लगेगी जिहड़ा बंदा फाड़े ये अलाए रब्बी कुमात कज़िबान और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जतलाओगे अल्लाह पाक ने केड़े केड़े अनमोल तोहफे साढ़े लिए पैदा कर सकते हैं। अच्छा मैं जनाब आखिर ते आपके दोस्तों भाइयों ये मशवरा देंगा भी तुम मकई की काश्त करो लेकिन थोड़ी जी तिलों की काश्त भी करो तुहानू आपे पता चलेगा कि मुफ्ती कि पैदावार होगी तो मुल कि पैदावार होगी इसलिए सारे भाइयों अगर मेरी दरखास्त है कि वह तिल काश्त कर ज़्यादा से ज़्यादा तो इन्दे नाल ज़्यादा मुनाफा कमावन ते अपने बच्चों नूं अच्छी तलीम दिलावन ठीक है ना जी बिल्कुल आ जिहड़े मकईआं ने इन्दे ते उन्ना ही खर्चा हुंदा उन्नी आमदन हुंदी ते आ जा के शायद किसान नूं बचदी कोई नहीं अगो जिहड़ी यूरिया है या डी ए पी हुण 13,000 दी डी ए पी हो गई यूरिया 3,000 दी ब्लैक च मिलदी पई साडी गवर्नमेंट नूं कोई फिक्र नहीं इस गल दा सलाह जिन्हां लोगां ने साडा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता वो दोस्तों अगर मेरी गुजारिश है कि चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन ताकि साडी हर आने वाली नवी वीडियो उन्हां भाइयों तक पहुँचे तो उन्हां नूं फायदा पहुँच जाए बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।